आज हम जानेंगे कि ई मित्र के जरिए आरटीआई का आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले ई मित्र से आरटीआई का आवेदन करने के लिए SSO ID से ई मित्र को लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद ये पेज खुलता है, उसमें सिटीजन ऐप पे क्लिक करते हैं। सिटीजन पे ऐप क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद यहाँ एक कॉर्नर में आरटीआई का ऐप दे रखा है, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें सबमिशन पे जाना होता है। एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि क्राइटेरिया सिलेक्शन में जो आरटीआई के लिए आवेदन कर रहा है वो बीपीएल से है या नहीं। नो पे क्लिक करते हैं तो ये फीस का आरटीआई का डिडक्शन आ जाता है, कितने का रुपए का डिडक्शन होगा। उसके बाद आरटीआई की 10 रुपये फीस, ई मित्र की 5 रुपये फीस। यहाँ से फिर एक बात और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो कोई कैंडिडेट आरटीआई के लिए आवेदन कर रहा है उसकी एक अलग से ई मित्र SSO ID लॉगिन होने के बाद नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसी कैंडिडेट का, जिसमें उसकी डिटेल्स आती हैं। ये सब करने के बाद जब आरटीआई के लिए आवेदन खुलता है तो पहले वो पूछता है कि आवेदन करने वाला बीपीएल से या नहीं, तो नहीं पे क्लिक किया। एप्लीकेशन की फीस 10 रुपये, ई मित्र की फीस 10 5 रुपये, टोटल मिला के 15 रुपये। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए आवेदन, आरटीआई किस डिपार्टमेंट में अपन लगाना चाहते हैं, तो वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर JDA में मना है कि हम आरटीआई लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद ऑफिस सेक्शन पब्लिक अथॉरिटी नेम वो सेलेक्ट करना पड़ता है। एडिशनल कमिश्नर बेस्ट में हम सेलेक्ट करते हैं, ऑफिस का नेम आ जाएगा। ये ऑफिस का नेम आ गया। उसके बाद एप्लीकेंट जो नए यूजर से रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम आ जाएगा, मेल फीमेल का वो आ जाएगा। उसके बाद उसकी जो पर्सनल डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गांव, विलेज, रूरल क्षेत्र से अर्बन क्षेत्र से है, ये आ जाएगा। सिटीजन आइडेंटी प्रूफ का ऑप्शन आएगा, इसमें से कोई भी आइडेंटी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया है तो उसकी अपलोड फाइल भी मांगता है। फिजिकल हैंडीकैप है या सीनियर सिटीजन है उसके लिए अलग ऑप्शन है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, आरटीआई लगा रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, टाइम फ्रेम किस टाइम से किस टाइम के दौरान आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आरटीआई लगाना चाह रहे हैं आप। स्पेशल डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर, क्या डिटेल आपको आरटीआई के थ्रू जिस डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं उस डिपार्टमेंट की क्या इंफॉर्मेशन या आपसे संबंधित कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शन इसमें लिख देंगे। उसके साथ में जो आरटीआई का परफॉर्मा या फाइल लगाई हुई है वो चूज फाइल पे कहीं से भी, जहाँ डेस्कटॉप पे या कहीं भी पड़ी है उसको अपलोड करते हैं। उसके बाद एसोसिएशन पे क्लिक करते हैं, एनक्लोजर लिस्ट ऑप्शन दे ही रखा है। उसके बाद सबमिट करते हैं, गलती हो जाती है तो रीसेट करके दोबारा फिलअप करते हैं। सबमिट करने के बाद